अयोध्या के दर्शन कर धन्य हो गए विदेशी क्रिकेटर। विदेशी क्रिकेटर्स ने भी आईपीएल शुरू होने से पहले लगाई हाजिरी। राम मंदिर में मत्था टेक कर मांगा रामलला का आशीर्वाद। Faith obviously comes from the belief that I have in prayer. भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत पावर मिलती है। Very grateful and very blessed and privileged to have the opportunity to experience something like this today. Coach Justin Langer और Jonty Rhodes के नेतृत्व में आयोजित इस आध्यात्मिक यात्रा के सहायक कोच एस श्रीराम, खिलाड़ी यश ठाकुर, प्रेरक माकड़, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, दीपक हुडा शामिल रहे। अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया है। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है और वाकई में है ना, वाकई में यार अगर हम लोग ये बात करते हैं तो वाकई में सनातन धर्म में नारी को बहुत इज्जत दी गई है यार। भारत में 82.7% सनातनी है, तो भारत में रामराज हो गया है और हर गली, हर कूचे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रदेश में भगवान राम का जाप होगा। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200-300-400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं, आप देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने ठीक है तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। मैं इंडियन कल्चर की तारीफ करी है, प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। महाराज को भगवान राम का बड़ा भक्त माना जाता है और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब का मकसद। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग। स्पिनर केशव महाराज ने सोशल मीडिया पर अपनी राम मंदिर की फोटो साझा करते हुए लिखा है, जय श्री राम, सभी को आशीर्वाद। बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई है जो भारत की लगातार तारीफ कर। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छिन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी इन माने, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी है। नंबर वन लीग ने ओपनिंग सेरेमनी करवाई है, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू आईपीएल। 6-7 सालों में फर्क आ गया, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10-12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60-80 करोड़ तो बजट है एक टीम। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। और मैं ही नहीं यार, इतना खूबसूरत रिश्ता और इतनी सच्चाई के साथ 7 जन्मों तक। और हस्बैंड जो होता है वो 7 वादे देता है। और 7 फेरे, 7 वादे, जन्म जन्म का साथ, बाकी शादी होनी भी ऐसी ही चाहिए। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। और जैसे उन्होंने बोला है डिवोर्स, ऑब्वियस सी बात है जो लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप कल्चर में रंगे तो वो भी डिवोर्स दे देते हैं, कहते हैं आप मेरी जिंदगी में नहीं आ गई। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। दर्जा दिया जाता है उनको, उनको पूजा जाता है क्योंकि उनकी गॉडेसेस मंदिर में उनकी मूर्तियां होती हैं। तो क्या सीन है बताइए। ये जो आपने कहा ना, ये बहुत मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया, बट दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। ओके, ये सनातन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं था। विमेन को, अगर बच्चियां हैं, ऐसा भी टाइम आता है जब बच्चियों के पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, मतलब उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। पूजा मीन्स नॉट लिटरली प्रेइंग, बट दे आर गिवन दैट काइंड ऑफ यू नो रिस्पेक्ट कि आप एक देवी समान हो। यू आर नॉट अ गॉडेस बट यू आर जस्ट लाइक गॉडेस। हम सबको गॉडेस नहीं कहते बट यू आर एज गुड एज अ गॉडेस, वी रिस्पेक्ट यू दैट मच, यू नो दैट इज वन थिंग। अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो कोई भी हो, आई कंडेम इट टोटली। मैं तो इसके ऊपर भी बहुत खफा होती हूँ जब दहेज की बात होती है, कोई भी चीज विच इज मैं कहूंगी कि ये तो मतलब सब ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो एक माशरे में होते हैं,
इट्स इन वन इन अ कम्युनिटी, इट्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। अगर आप रिलीजन की बात करो, अगर आप सनातन की बात करो, तो आप देखो कि हर जगह विमेन को पढ़ने से लेके हर चीज में, अगर आप तलवारबाजी बोलो या आप उसको कोई चीज सीखने हो, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, पहले मैं आपको शैला ये बता दूं कि 76-77 साल में सनातनियों ने कभी भी पहले हमेशा कानून पर भरोसा किया, हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया। आप सोचो, इतने बड़े आस्था की जगह राम मंदिर, उन वो रामलला की जगह को वापस पाने के लिए सनातन धर्म 550 साल इंतजार किया, 550 साल। और 1981 से लेकर के, ये तो मैं आपको 1981 से मतलब न्यायपालिका का इंतजार में बता रही हूँ, 1981 से लेकर के 2024 तक न्यायपालिका का इंतजार किया। तो इनके अंदर टॉलरेंस बहुत है, इनके अंदर पेशेंस बहुत है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो वो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं, और हम अपने न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे। पर हर एक सब्र का ना लिमिटेशन टूटता है। जी जी, आज भी देखिए, ये जो हनुमान चालीसा वाला जो मैटर बेंगलुरु में हुआ है, उन मुसलमान लड़कों को निकाल करके घर से किसी ने मारा नहीं है। हाँ, ये जरूर दिखाया कि अब सनातनी जाग चुके हैं, अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया। अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुत्ते के झुंड की तरह एक साथ आकर के किसी भी एक व्यक्ति सनातनी को उसको भजन कीर्तन में रोक करके उसको मारपीट कर सकता है, तो ये अपनी गैदरिंग, अपनी मेजोरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा क्या कर लोगे। लेकिन देखो, खाना एक और बात भी है, अगर चीज को जरा रिवर्स करते हैं, अगर यही मुसलमान की दुकान होती और कुरान पाक की तलावत होती और 6 सनातनी आके उसको मारते कि तुम ये बंद करो, हमारी पूजा हो रही है, तो मुसलमान आज भारत का क्या करता? डेफिनेटली रोड पे आता, सरतन से जुदा, और इसके साथ साथ वो इस्लामिक कंट्रीज भी आती, सऊदी अरेबिया भी आता, कुवैत भी आता, पाकिस्तान भी आता। तो अपने लिए जो आप सोचते हो वो दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते? चीज जरा रिवर्स करे ना। एग्जैक्टली अब आपका दूसरा सवाल मदरसे का, देखिए हमारे सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं, हमारे सरकार का काम मुफ्ती खारी आलिम उलूम बनाने का नहीं। आप सरकार से डिमांड कीजिए ना कि हमको आईपीएस बनाओ। तो लेकिन अब बात आती है कि मुसलमान को पढ़ना तो है नहीं, मुसलमान की नीयत जन्नत में 72 वर्जिन हूर और बिस्तर पर 4 बीवी और रोड पर पत्थर पर लगी रहती है। उनको हाथ में पत्थर चाहिए, बिस्तर पर 4 बीवी चाहिए और जन्नत में 72-135 फुट की 72 वर्जिन हूर चाहिए। अब मुसलमान, कभी भी आपने भारत के मुसलमानों को ये रैली निकालते हुए देखा है? मुसलमानों को आईएएस बनाओ, मुसलमानों को आईपीएस बनाओ, मोदी जी हम आईएएस बनेंगे, हम शिक्षित होंगे, कभी सुना? नहीं। कभी सुना नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है। मुसलमानों को जमजू, लखंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना, और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलात्कार करना, लव जिहाद करना, गला रेतना, यही उनको आता है, उनको इसी में मजा मिलता है, उनको यही चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। और इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे नेट करती, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आईपीएल हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसी आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करते, नहीं करने दे रहे ना। देखिए फॉरनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे? कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए, फिर और प्लेयर्स भी इस तरह के। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।